गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद पाल से पुष्पा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेडिको लीगल ऑटोप्सी। एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है। सो इसे हम कंटेंट में मेंशन करेंगे, ऑटोप्सी, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल ऑटोप्सी एंड फॉरेंसिक ऑटोप्सी, रूल्स ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सी, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी प्रोसीजर, आई शेप, वाई शेप, मॉडिफाई वाई शेप इंसिजन, ऑटोप्सी टेक्निक, प्रिजर्वेशन ऑफ द विसराज, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जुमेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोप्सी सिनोनिम्स नेक्रोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑपिस मीन्स व्यूज, और नेक्रोज मीन्स डेथ, ऑपिस मीन्स व्यू, और पोस्ट मीन्स आफ्टर, मॉर्टम मीन्स डेथ। राइट, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी में टू टाइप्स, मेडिको लीगल ऑटोप्सी, इसे फॉरेंसिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं, क्लिनिकल ऑटोप्सी, इसे पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, और एकेडमिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑटोप्सी, ऑटोप्सी डिवाइड हुआ टू पार्ट में, क्लिनिकल ऑटोप्सी एंड फॉरेंसिक ऑटोप्सी। क्लिनिकल ऑटोप्सी फर्दर डिवाइड हुआ टू पार्ट में, कंप्लीट क्लिनिकल ऑटोप्सी एंड पार्शियल क्लिनिकल ऑटोप्सी। फॉरेंसिक ऑटोप्सी डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में, ऑलवेज कंप्लीट। राइट, सो फॉरेंसिक ऑटोप्सी हमेशा कंप्लीट ही होती है, बट क्लिनिकल ऑटोप्सी कंप्लीटली होती है और पार्शियली होती है। राइट, क्लिनिकल ऑटोप्सी क्या होती है, इट इज डन बाय द पैथोलॉजिस्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर्स। इसे पैथोलॉजिस्ट करता है, प्लस विद द कंसेंट ऑफ रिलेटिव टू नो द डायग्नोसिस और द कंफर्म ऑफ द डायग्नोसिस। विदाउट कंसेंट ए डॉक्टर कैन नॉट प्रोसीड फॉर क्लिनिकल ऑटोप्सी, मीन्स इसके लिए कंसेंट का रिक्वायरमेंट होना काफी जरूरी है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में इट इज ए साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेथ बॉडी। राइट, अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ, टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ द डेथ, टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ एंड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द डिसीज व्हेन नॉट नोन। राइट, सो हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें दोनों में, फॉरेंसिक ऑटोप्सी क्लिनिकल ऑटोप्सी में, दोनों सिनोनिम में, तो फॉरेंसिक ऑटोप्सी सिनोनिम्स मेडिको लीगल ऑटोप्सी, क्लिनिकल का पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। कंसेंट की बात करें तो यहाँ पे नो कंसेंट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कंसेंट और रिलेटिव कंसेंट मस्ट रहते हैं। कंडक्टेड अंडर लीगल अथॉरिटी, और यहाँ पे इतना नॉट पर्टिकुलर, रिक्वेस्टेशन में फ्रॉम लीगल अथॉरिटीज और नो सच लीगल अथॉरिटीज। प्रोसीजर में ऑलवेज कंप्लीट प्रोसीजर, मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। एम टू नो कॉज ऑफ द डेथ, टू नो मैनर ऑफ द डेथ, टू कलेक्ट एविडेंस, टू एसर्टेन द टाइम सिंस डेथ। यहाँ पे टू कंफर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ अराइव ऑफ द डेथ, अराइव एट डायग्नोसिस। रूल्स की बात करें तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी के रूल्स में शुड बी कंडक्ट बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर ओनली। ऑटोप्सी कंडक्ट ओनली ऑन रिसीविंग ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी। ऑटोप्सी शुड बी कंडक्ट एट अर्लीस्ट। वेन एवर डेथ बॉडी इज सेंट टू द मेडिकल लीगल ऑटोप्सी शुड बी अकॉम्पनी बाय डेथ बॉडी चालान एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ये दोनों काफी जरूरी होता है, डेथ बॉडी चालान एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। देन द डॉक्टर कंडक्टिंग ऑटोप्सी शुड बी केयरफुली रीड द इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड रिक्वेस्टेशन अलोंग विद द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड इफ अवेलेबल। नो अनऑथोराइज पर्सन शुड बी अलाउड टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑटोप्सी। द बॉडी शुड बी आइडेंटिफाई बाई द पोलिस अकॉम्पनिंग द बॉडी। ऑटोप्सी शुड बी डन ऑन ऑथोराइज सेंटर, प्रिफरेबली वेल इक्विप्ड मर्चुरी। ऑटोप्सी शुड बी डन इन डे टाइम। क्यों दिन में ऑटोप्सी की जाती है, ये क्वेश्चन भाई वहां पूछा जाता है, बिकॉज कलर चेंजेस सच एज जॉइंटिस, चेंज इन कंट्यूजन कैन नॉट बी एप्रोप्रिएट इन आर्टिफिशियल लाइट। वीडियो रिकॉर्डिंग इन केस डेथ ऑकरिंग इन कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हुई है तो वहां पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग शुड बी डन एंड सेंड टू द चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली बाय द डॉक्टर इटसेल्फ। विजिट टू स्कैन ऑफ द क्राइम इफ इट इज पॉसिबल विजिट स्कैन ऑफ द क्राइम बाय डॉक्टर शुड बी प्रैक्टिस एंड बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स कितने पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एग्जामिनेशन पार्ट और कंक्लूजन और ओपिनियन। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आता है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिकेज का नेम, एज, सेक्स, रेसिडेंस एंड मेंशन फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर द बॉडी वाज ब्रॉट, कहां से बॉडी मिली, कहां से लाई गई है, डेथ एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द डेथ बॉडी। मेंशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्डरिंग द एग्जामिनेशन आर इंक्लूडिंग। राइट, एग्जामिनेशन पार्ट के अंदर टू टाइप्स होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। कंक्लूजन, द ओपिनियन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द डेथ इज गिवन, द ओपिनियन इज डिड्यूस फ्रॉम ऑटोप्सी फाइंडिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोप्सी, ऑटोप्सी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इंस्ट्रूमेंट्स, देन केमिकल्स, केमिकल्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रिजर्वेटिव, हमें विसराज को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव जरूरी होता है, कॉमन सॉल्ट, रेक्टिफाई स्प्रिट, देन फिक्सटाइल में फॉर्मलिन, ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, सोडियम क्लोराइड,
देन थेमॉल, पोटेशियम ऑक्सलेट, बॉटल्स ऑफ वेरियस साइजेस, राइट, ये केमिकल्स कंपलसरी होते हैं। देन हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो स्केल्प ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिसेक्टिंग नाइफ, डिसेक्टिंग सीजर्स, लार्ज सीजर्स, देन एंट्रेटोम, सोस, चीजल, हैमर, ब्रेन नाइफ, कार्टिलेज नाइफ, प्रोब, नेडल, ऑटोप्सी ट्यूब, ऑटोप्सी ऑटोप्सी वर्कस्टेशन, राइट। तो जहां पे पर्टिकुलर ऑटोप्सी की जाती है, ऑटोप्सी का प्लेस है ऑटोप्सी टेबल, और वहां पे उसको वर्क स्टेशन ऑटोप्सी कहाँ की जाती है ऑफिशियली। ऑटोप्सी प्रोसीजर में टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ का एग्जामिन करेंगे, क्लॉथ के ऊपर कोई स्टेन, फॉरेन मटेरियल्स, कट मार्क्स, टीयर, लोजो बटन्स तो नहीं हुआ है। आइडेंटिटी के लिए इन केस ऑफ नॉन बॉडी, अगर नॉन बॉडी है तो हमें पुलिस कांस्टेबल और रिलेटिव उसे करेंगे, अगर अननोन बॉडी है तो वहाँ पे बॉडी के ऊपर मॉल, स्टेटू, इसका डिफॉर्मेटिव फिंगरप्रिंट देखे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में भी रिक्वेस्टेड टू हैव फोटोग्राफ्स ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ द बॉडी, उसे लेना जरूरी होता है। प्रीलिमरी पर्टिकुलर्स में बॉडी का वेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसे क्वासियो को मरास्मस तो नहीं हुआ है, बॉडी बिल्ड अच्छी है, या डिफॉर्मिटीज को डिफॉर्मिटी नहीं है, हेयर पैटर्न कैसा है, शुड बी नोटेड। राइगर मोटिस अगर प्रेजेंट ऑप्शन है तो शुड बी नोटेड। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजुरीज, पर्टिकुलर इंजुरी, कितनी इंजुरी हुई, कितनी इंजुरी की डेप्थ है, उसका पॉसिबल हो पाए डायग्राम। इंजुरी शुड बी डिस्क्राइब इन ए सिक्वेंस मैनर, हेड टू टो में ऐसे इंजुरी मेंशन करना होगा, साइज, साइट एंड डायमेंशन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया एग्जामिन करना पड़ेगा, एग्जामिन टू नो प्रेजेंस ऑफ द एनी डिसीज, स्टेंस, सिक्रीशंस, एनी साइन ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, ये आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में। इंटरनल एग्जामिनेशन में क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, डिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डिसेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो हम इंसिजन की बात करें तो फॉर हेड पे कोरोनल इंसिजन हम लगाते हैं, बिगेन्स फ्रॉम दी बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड अपवर्ड ऑन दी आइदर साइड फ्रॉम मिड द कोरोनली ऑफ द हेड, ये फॉर हेड के लिए इंसिजन होता है। फॉर ट्रंक के लिए थ्री टाइप के इंसिजन होते हैं, आई शेप इंसिजन, वाई शेप इंसिजन, मॉडिफाई वाई शेप इंसिजन। सो अब हम बात करें आई शेप इंसिजन से, तो स्ट्रेट स्ट्रेट इंसिजन इज मेड फ्रॉम द चिन, सिंपाइसिस मेंटिस से लेके सिंपाइसिस प्यूबिस तक होता है। वाई शेप इंसिजन, इट बिगेन्स एट द पॉइंट क्लोज अक्रॉस टू द एक्रोमियल प्रोसेस, यहां से एक्सटेंड डाउन होता है बिलो द ब्रेस्ट, मीडियली अक्रॉस द जिपोइड प्रोसेस, राइट। सो ये एक्रोमियल प्रोसेस से आता है, देन ब्रेस्ट, बिलो द ब्रेस्ट के नीचे से और जिपोइड प्रोसेस के अक्रॉस होके इंसिजन कैरिड डाउनवर्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑन द प्यूबिस, ये वाई शेप इंसिजन होता है। मॉडिफाई वाई शेप में स्ट्रेट इंसिजन फ्रॉम स्टर्नल नोच, यहां से प्यूबिक प्यूबिस में यहां से यहां तक का रहता है। अब इस इंसिजन अंदर क्या होता है, नाउ दिस इंसिजन इज एक्सटेंड फ्रॉम दी सुपरा एक्सटर्नल नोच टू द मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल तक जाता है, देन अपवर्ड टू दी टोवर्ड्स द नेक बिहाइंड द ईयर, राइट। देन सिमिलर इंसिजन मेड ऑफ द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे मॉडिफाई वाई इंसिजन कहलाता है। ऑटोप्सी टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स ऑफ वर्चो नॉर्मली यूज की जाती है, ऑर्गन्स आर रिमूव वन बाय वन, मोर पॉपुलर मेथड होता है, मोर कन्वीनियंट मेथड होता है। प्रिजर्वेटिंग ऑफ विसराज इन अदर आर्टिकल्स की हम बात करें तो इन सस्पेक्ट केसेस ऑफ पॉइजनिंग विसराज टू बी प्रिजर्व। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से अगर हम बात करें तो एंजाइम स्टडी में सब एग्जाम्पल सीके एंजाइम्स वर इवेल्यूटेड इन दी पेरिकार्डियल फ्लूड फॉर डायग्नोसिस ऑफ MI इन्फेक्शन, राइट, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मॉलिकुलर बायोलॉजी में डायग्नोसिस ऑफ द सिकल सेल डिसीज, एग्जाम्पल दिया है मॉलिकुलर एनालिसिस में बीटा ग्लोबुलिन जीन्स। हिस्टोपैथोलॉजी, ऑर्गन प्रिजर्व्ड इन 10% फॉर्मलिन। बायोकेमिकल में सीरम सेपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। देन फॉरेंसिक फोटोग्राफी में वन फोटोग्राफ इज वर्थ टू 1000 वर्ड्स, एक फोटोग्राफ 1000 वर्ड्स बताता है, तो काफी हेल्प करता है हमारे डायग्नोसिस के लिए। फोटोग्राफ शुड बी टेकन ऑफ द डिफरेंट एंगल ऑफ द फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन एग्जुमेशन, ये एग्जाम में 5 मार्क्स में सेपरेटली पूछा भी जाता है, क्या होता है एग्जुमेशन, टू डिग आउट कॉर्पस फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद में अगर उसे डिगिंग कर चुके हैं तो एक बार उसे एग्जुमेशन कर चुके हैं आफ्टर दैट, अगर वापस से कोई उस पर क्वेश्चन उठाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तो उसे वापस से डिग आउट किया जाता है। इट इज लॉफुल प्रोसेस फॉर रिट्रीवल ऑफ द प्रीवियस बरीड बॉडी फ्रॉम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, राइट। अगेन हम वंस अगेन इसे एक बार हम रिवाइज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑटोप्सी, टाइप ऑफ ऑटोप्सी, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल ऑटोप्सी एंड फॉरेंसिक ऑटोप्सी, रूल्स ऑफ मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, ऑटोप्सी रिपोर्ट, रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी प्रोसीजर, आई शेप, वाई शेप, मॉडिफाई वाई शेप इंसिजन, ऑटोप्सी टेक्निक, प्रिजर्वेशन ऑफ द विसराज, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, एग्जुमेशन। थैंक यू।